Welcome you all. Today we will discuss on real-time PCR, that is also known as QRT-PCR, quantitative real-time PCR. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे. तो सबसे पहले हम ओवरव्यू बताएंगे कि रियल टाइम है क्या, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रियल टाइम PCR और नॉर्मल PCR में क्या अंतर है. रियल टाइम PCR हम करते हैं और नॉर्मल PCR करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है. फिर हम आपको जनरल प्रोटोकॉल बताएंगे कि कैसे QRT-PCR करते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व, वो बताएंगे. फिर आपको डिटेक्शन केमिस्ट्री बताएंगे कि रियल टाइम में किस तरह से डिटेक्शन होता है, और फिर हम डेटा एनालिसिस करेंगे और फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम आपको ओवरव्यू देते हैं कि कैसे कन्वेंशनल PCR और रियल टाइम PCR दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और दोनों में डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले आप कन्वेंशनल PCR को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट को एम्पलीफाई करना पड़ता है PCR के लिए. PCR जब आप कर लेते हैं पूरी तरीके से तो आपको फिर जेल चलाना पड़ता है. जेल चलाने के बाद आप उसे डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम से एनालाइज करते हैं, तो ये बड़ा टीडियस जॉब हो गया. ठीक है, और नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द कॉपी नंबर. आप इसमें आप जीन का प्रेजेंस और एब्सेंस बता सकते हैं, लेकिन कभी भी आप नॉर्मल PCR के थ्रू आप कभी भी ये नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कितने कॉपी नंबर बन रहे हैं. ठीक है, तो ये जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस इससे कम्प्लीटली हम नहीं बता सकते कि कन्वेंशनल PCR ये आपको कॉपी नंबर नहीं बता सकता, फोल्ड चेंज नहीं बता सकता कि ए जीन से अगर मान लिया जाए दो सैंपल्स हैं उसमें बताया जाए कि ए जीन का कितना एक्सप्रेशन हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है, कितने डिफरेंसेज हैं. तो आप नॉर्मल PCR के थ्रू कभी नहीं बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेज हो रहे हैं, यानी एक्सप्रेशन एनालिसिस कभी भी हम कन्वेंशनल PCR के थ्रू नहीं कर सकते हैं, जबकि रियल टाइम PCR में हम कर सकते हैं. इसमें क्या है कि वन स्टेप प्रोसेस है इस जो कन्वेंशनल PCR, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हो गए. ठीक है, सबसे पहले जेल चलाएंगे, जेल चलाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम पे चेक करेंगे, तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. बट इन रियल टाइम क्या आप करते हैं, सबसे पहले एम्पलीफिकेशन तो हो ही रहा है, साथ साथ में आप उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और ईच एंड एवरी साइकिल पर आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कितने डिफरेंसेज आ रहे हैं. ठीक है, तो रियल टाइम डिटेक्शन कैन बी डिटेक्ट इन मेनी एप्लीकेशन वेयर एज प्रिसाइज नंबर टेम्पलेट इज एसेंशियल. मतलब कि रियल टाइम में आपको मतलब RNA की इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है, और एक निश्चित लेवल तक आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रियल टाइम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और नॉर्मल में, और आपको देखना पड़ेगा कि नॉर्मल PCR और इसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो रियल टाइम PCR क्या होता है, एब्रिवेटेड एज RT-PCR, विच हैव एन एडवांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड PCR टेक्निक्स. इट बिकम कॉमन टूल्स फॉर डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग ऑफ सेलेक्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट. मैंने अभी आपको बताया कि आपको अगर एक्सप्रेशन प्रोफाइल करना है तो रियल टाइम के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. ठीक है, अब रियल टाइम PCR क्या करता है, ड्रामेटिकली चेंज कर दिया हमारे इस फील्ड को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड को. अब इससे हमारा क्या होता है, तो इसके थ्रू हम कंबाइंड एंड वर्सेटाइल नेचर इसका है कि एम्पलीफिकेशन भी हो रहा है और साथ साथ में डिटेक्शन भी हो रहा है और सिंगल स्टेप में हो रहा है ना. रियल टाइम क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो जा रहा है. और यूजिंग रियल टाइम PCR रिलायबिलिटी ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा इज ईजली एंड रैपिड, एंड वैलिडेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो इंक्रीज इन रियल टाइम PCR. मतलब कि ये इतना एडवांस टेक्निक है PCR के ऊपर कि आपको एक ही बार में आपको सारा चीज पता चल जाएगा, एम्पलीफाई भी हो जाएगा, डिटेक्ट भी हो जाएगा, और आप कॉपी नंबर भी बता सकते हैं, और दो जीन के एक्सप्रेशन प्रोफाइल में अंतर भी आप बता सकते हैं एक ही साथ. तो रियल टाइम कीप्स ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एज इट्स आकर, डेटा इज कलेक्टेड ड्यूरिंग द इंटायर PCR प्रोसेस, अनलाइक द स्टैंडर्ड PCR मेजरमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द सेलुलर रिएक्शन. स्टैंडर्ड PCR मैंने आपको बताया कि बड़ा लंबा और टीडियस जॉब है, इसलिए हम रियल टाइम को प्रीफर करते हैं एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए.
रियल टाइम पीसीआर टेक्निक्स कंप्लीटली चेंज द वे ऑफ पीसीआर बेस्ड डीएनए एंड आरएनए क्वांटिफिकेशन वट एवर द प्रोसेस इज स्टिल अवेलेबल नाउअडेज रियल टाइम पीसीआर इज वेरी वर्सेटाइल इन रियल टाइम पीसीआर डेटा कलेक्शन स्टार्ट एज सून एज टारगेट एम्प्लीफिकेशन इज फर्स्ट डिटेक्टेड अनलाइक द ट्रेडिशनल पीसीआर वेयर डेटा कैन बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल और ओवर मतलब कि वही बात फिर से यहाँ पे लिखा गया कि ट्रेडिशनल जो पीसीआर है वो आपको एक बार में आप नहीं बता सकते आपको वो सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी एक पूरा साइकिल चलेगा पूरा साइकिल चलने के बाद ही आप लास्ट में जेल रन करेंगे जेल रन करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के थ्रू आपको जीन की प्रेजेंस और एब्सेंस पता चलेगी कितना वो एक्सप्रेस कर रहा है क्वांटिफिकेशन आप कभी नहीं कर सकते हैं नॉर्मल पीसीआर के थ्रू ठीक है अब है प्रिंसिपल्स ऑफ रियल टाइम पीसीआर किस बेसिस पे हमारा रियल टाइम पीसीआर काम करता है तो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द रिएक्शन इज अचीव्ड बाय द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल क्योंकि आगे जाकर के हम डिटेक्शन केमिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है पीसीआर कंपोनेंट दिस मॉलिक्यूल एग्जिबिट द फ्लोरोसेंस सिग्नल एट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए एम्प्लीफाइड ड्यूरिंग द रिएक्शन इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल आपको फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल बढ़ेंगे जैसे जैसे डीएनए मॉलिक्यूल आरएनए मॉलिक्यूल एम्प्लीफाई होता जाएगा रिएक्शन के एक रिएक्शन के बाद दूसरी साइकिल तीसरी साइकिल जैसे मैंने पीसीआर में बताया था सेम प्रोसेस इसमें भी होता है साइकिल सेम चलता है लेकिन डिटेक्शन साथ साथ होते चलता है क्योंकि इसमें हम लोगों ने फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल टैग कर रखा है ठीक है तो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोब और प्राइमर एंड डाई आर कैपेबल टू बाइंड विद द डीएनए एंड यूजुअली एम्प्लॉयड इन रियल टाइम पीसीआर ठीक है द अमाउंट ऑफ एम्प्लीफाइड न्यूक्लिक एसिड इज इन ईच साइकिल कैन बी कैलकुलेटेड बाई मेजरिंग द फ्लोरोसेंट एट द एंड ऑफ द साइकिल मतलब ईच एंड एवरी साइकिल के एंड में आपको फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल कितना है आपको पता चल जाएगा द हायर द इनिशियल कॉपी नंबर ऑफ द टारगेट न्यूक्लिक एसिड सूनर विजिबल इंक्रीज द फ्लोरोसेंट इज सीन कहने का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल आपके पास जो सैंपल है उसमें कॉपी नंबर ज़्यादा है तो वो जल्दी से जल्दी आप उसके फ्लोरोसेंस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं इसके कारण हम आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में अपकमिंग स्लाइड्स में आई विल टेल यू दस द रियल टाइम पीसीआर इनेबल बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड जनरेटेड ड्यूरिंग द पीसीआर प्रोसेस अब हम आपको जनरल प्रोटोकॉल बताते हैं कि हम जब क्यू पीसीआर करते हैं उससे पहले हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप आरएनए आइसोलेट करेंगे और उसको कैरेक्टराइज करेंगे नैनो ड्रॉप के थ्रू उसकी रीडिंग लेंगे और नैनो ड्रॉप अगर बताता है कि नहीं आपकी आरएनए की इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है तब आप उससे क्या करेंगे सीडीएनए बनाएंगे सीडीएनए बनाने के बाद आप उस डेटा को रियल टाइम पीसीआर लगाएंगे रियल टाइम पीसीआर लगाने के लिए आपको या तो साइबर ग्रीन आप यूज करेंगे या टैकमेन प्रोब यूज करेंगे जो कि हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताएंगे कि ये डिटेक्शन केमिस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि साइबर ग्रीन कब यूज करेंगे और टैकमेन प्रोब कब यूज करेंगे और दोनों में कौन अच्छा है और क्यों अच्छा है ठीक है तो अब है कि जब आप रियल टाइम लगा लेंगे तो आपको उससे सीटी वैल्यू मिलेगी जब आपको ग्राफ एक्सेल सीट पर जब आप निकालेंगे तो आपको सिटी वैल्यूज मिलेंगी जितने भी रिएक्शन आपने लगाए होंगे और उसके थ्रू आप डेटा को एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे और आप बताएंगे कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इस बेसिस में आपको आपको ये भी पता करना है कि साइकिल थ्रेशोल्ड क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन क्यों ज़रूरी है ये आने वाले अपकमिंग स्लाइड्स में आपको बताएंगे तो जनरल प्रोटोकॉल क्या है आपको स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए टिशू सैंपल से आप आरएनए निकालेंगे सीडीएनए बनाएंगे रियल टाइम लगाएंगे जैसे आप पीसीआर लगाते हैं सेम प्रोसीजर है बस इसमें हम लोग डिटेक्शन सबसेट डालते हैं जैसे साइबर ग्रीन हो गया टैकमेन प्रोब हो गया ये सब क्या है डिटेक्शन केमिस्ट्री में आता है और ये डिटेक्ट करता है हमारे कॉपी नंबर मैंने ईच साइकिल पे आपको डिटेक्ट करके आपके नंबर ऑफ कॉपीज को बता रहा होता है ठीक है तो ये बेसिकली जनरल प्रोटोकॉल है क्यू पीसीआर करने का अब आपको बेसिक डिफरेंस क्या हुआ जैसे नॉर्मल पीसीआर में और इसमें क्या है तो सबसे बड़ा डिफरेंस है डिटेक्टर का क्योंकि पीसीआर तो ये भी है
आरटीपीसीआर भी तो पीसीआर ही है एक तरह से, लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि इसमें हम डिटेक्शन साथ में कर ले रहे हैं लेकिन उसमें डिटेक्शन साथ में नहीं हो रहा था। अब आपको सेम सारी चीज़ें डालनी हैं लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन करता है। डिटेक्शन कैसे होता है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, स्पेसिफिक बीम ऑफ लाइट जाता है आपके सैंपल में, उसे एक्साइट करता है, एक्साइट करने के बाद वो इमीट होता है, इमीट होने के बाद वो डिटेक्शन सिस्टम में आकर के डिटेक्ट होता है। ठीक है, सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका रियल टाइम पीसीआर मशीन है। इसमें आपका ये 96 बेल प्लेट है, प्लेट को आप डालेंगे और ये ऊपर में आपका ये पूरा जो मोनोक्रोमेटर जो मैंने आपको दिखाया वो सारे सिस्टम्स हैं। और ये इसी तरह का देखिए, जैसे मैंने आपको पीसीआर बताया था एकदम पीसीआर के जैसा ही ये भी रिएक्शन चलता है और फिर यहाँ पे आकर के डिटेक्ट होता है और डिटेक्टर उसको फिर कंप्यूटर में आपको फिटअप करता है, सारे सिटीज वैल्यूज आपको देता है। अब हम आपको डिटेक्शन केमिस्ट्री में लेकर चलते हैं कि साइबर ग्रीन कैसा डिटेक्शन करता है और एक्मन प्रोब कैसे करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि साइबर ग्रीन जो है वो माइनर ग्रुप डीएनए के माइनर ग्रुप से बाइंड करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के माइनर ग्रुप से बाइंड करेगा और इमीट करेगा फ्लोरेसेंस को। जब तक ये डबल बॉन्ड नहीं होगा तब तक ये मॉलिक्यूल जाके बाइंड नहीं कर सकता है। जब डबल बॉन्ड मिलेगा मतलब डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल डीएनए के मिलेंगे तब आपको ये डिटेक्शन डिटेक्ट होगा और ये साइबर ग्रीन उससे जाके बाइंड करता जाएगा। तो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का जो है वो 497 नैनोमीटर पे साइबर ग्रीन इमीट करता है और इमिशन इसका 520 नैनोमीटर पे है, यानी एब्जॉर्ब 497 पे करता है और इमीट 520 नैनोमीटर पे करता है। ये वेवलेंथ है जिस पे ये एब्जॉर्ब होता है और इमीट होता है साइबर ग्रीन। ये नॉन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, साइबर ग्रीन क्या है ना कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल देखा नहीं कि बाइंड कर जाएगा, चाहे वो आपका डिजायर्ड इंटरेस्ट का हो या ना हो। सपोज यहाँ पे देखो ये आपका पूरा टेम्पलेट नहीं लेकिन यहाँ पे बाइंड कर गया, यहाँ पे भी बाइंड कर गया और यहाँ पे भी बाइंड कर रहे हैं, तो स्पेसिफिसिटी इसकी उतनी नहीं है जितनी टैकमेन की है। टैकमेन तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको फ्लोरेसेंस मिलेगा जब आपकी पॉजिटिविटी रिलेटिवली हायर होगा साइबर ग्रीन से तभी, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग करता है। जहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा वहीं जा करके बाइंड कर जाएगा, लेकिन एक्मेन के साथ ऐसा नहीं है। एक्मेन प्रोब में सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल लगा हुआ था जिसे हम रिपोर्टर कहते हैं और दूसरा क्वेंचर होता है जो कि फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल के जो फ्लोरोसेंस करने की क्षमता होती है उसे वे क्वेंच करके रखता है, यानी उसको दबा करके रखता है। जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं तब तक कोई भी आपको सिग्नल नहीं होगा, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अब हम आपको डिटेक्शन केमिस्ट्री के अंदर लेके चलते हैं। जब आपका टाइमर ये प्रोब क्या होगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जाकर के बाइंड कर जाएगा, तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे ही ये जो प्राइमर जो आपका है वो अनील होगा, आगे बढ़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जब इसके पास आएगा तो ये यहाँ पर के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होने शुरू हो जाएंगे। जब डिग्रेड होगा तो रिपोर्टर और क्वेंचर के बीच में जो सिग्नल था वो टूट गया। अब ये दोनों एक दूसरे को सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं। एज ए रिजल्ट ये रिपोर्टर क्या करेगा, फ्लोरेसेंस देना शुरू करेगा और वही पीसीआर रियल टाइम पीसीआर में डिटेक्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और बृहद तरीके से बड़े तरीके से देखते हैं। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल हुआ टेम्पलेट। अब आप इसे डिनेचर करेंगे, डिनेचर आपको पता ही हाई टेम्परेचर पर होता है, तो डिनेचर हो गया। और अब ये आपका जो एक्मन प्रोब था वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, फिर जा करके आपके डीएनए से बाइंड कर गया। अब आपका प्राइमर उसमें है, प्राइमर क्या करेगा, जा करके अनील करना स्टार्ट करेगा, अनील कर लेगा और ड्यूरिंग इलांगेशन प्रोसेस ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, जोड़ते जोड़ते चला आ जाएगा आपके इस सीक्वेंस के पास। इस सीक्वेंस के पास जैसे ही आएगा आपका फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा, सारे जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो यहां से आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता जाएगा और यहाँ से सिंथेसिस होती जाएगी कंप्लीट स्ट्रैंड का और यहाँ पे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल निकलेगा और यही मॉलिक्यूल जाकर के डिटेक्टर में आपका डिटेक्ट होना स्टार्ट हो। तो हो क्या रहा है दरअसल, ठीक
ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, तो आपको ड्यू टू द इलांगेशन प्रोसेस द टैक्मैन प्रोब स्टार्ट डिग्रेडिंग, मैंने बोला था आपको कि जो टैक्मैन प्रोब है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, विच रिजल्ट इन टू द रिमूवल ऑफ फ्लोरोसेंट रिपोर्टर। अब उससे क्या हो रहा है कि फ्लोरोसेंट रिपोर्टर गायब हो रहा है, तो आपका रिपोर्टर जैसे जैसे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ से निकलेगा, अब क्वेंचर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उस मॉलिक्यूल को क्वेंच नहीं कर सकता। रिपोर्टर जो जब साथ में थे तो ठीक है सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन जब दोनों अलग हो गए तब फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल इजिली क्या होगा, फ्लोरोसेंट करेगा और डिटेक्शन में वो जाएगा और डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होगा। ठीक है, अब क्या है कि जब पूरा कंप्लीट डिग्रेडेशन होगा, तो आपको मैं इसलिए ये क्लियर करना चाह रहा था कि ईच एंड एवरी साइकिल पे क्या हो रहा है कि ये बड़ा स्पेसिफिकली यहाँ पे निकल रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइकिल बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि आठवें साइकिल में देखिए कितने सारे फ्लोरोसेंट्स होना शुरू हो गए, इसका मतलब ये सारा का सारा जाएगा और डिटेक्शन में डिटेक्ट होना स्टार्ट होगा। और ये डिटेक्शन एक देखिए शुरू में पता नहीं चलेगा उसको, एक ऐसा समय आएगा कि जब फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल पता चलेगा, और जब पहली बार पता चलेगा तो उसे हम सीटी वैल्यू कहते हैं, जिसे आप कमिंग स्लाइड्स में आपको और अच्छे से बताएंगे सीटी वैल्यू होता क्या है। सीटी वैल्यू क्या होता है कि जब वो पहली बार जब थ्रिसोल्ड लाइन को बेस लाइन को जब पार करता है फ्लोरोसेंट, तब हम उसको कहते हैं ए सीटी वैल्यू है। तो अब एक बात और है कि टैक्मैन और साइबर ग्रीन में क्या डिफरेंस है, टैक्मैन क्यों ज़्यादा जरूरी है इन कंपेरिजन टू साइबर ग्रीन। साइबर ग्रीन क्या है ना कि वो नॉन स्पेसिफिक बाइंड कर रहा है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। ये नहीं कहते कि ये 100% इफिशियंट है, लेकिन हाँ ये इफिशियंट है। जब आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो, मल्टीप्लेक्सिंग करने का मतलब क्या हुआ, सपोज आपको कई जीन का प्रेजेंस एक ही टाइम पे एक ही समय में आपको पता करना है, तो यहाँ पे हमने दो तरह के प्रोब यूज किए, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो ये दो अलग अलग जीन के साथ हम प्रोब बनाए हैं जिसमें अलग अलग फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल आएगा और वो हमें पता चलेगा, मान लो कि ये कॉलरा के लिए हो गया और ये समझो HIV वायरस की टेस्टिंग के लिए हो गया। वायरस के लिए भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि अभी जो रियल टाइम PCR हम COVID-19 जो चल रहा है उसमें रियल टाइम PCR के थ्रू ही ओनली हम वैलिडेट कर पा रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो वायरस के लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, जैसे दो वायरस भी ले सकते हैं, यानी दो तरह के मल्टीप्लेक्सिंग कहने का मतलब यह है कि आपको दो तरह की चीज़ें एक बार में पता चल सकती हैं, दो जीन आपको साथ में पता चल सकता है, यानी कि जीन वन और जीन टू दोनों को आप एक बार में पता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन एक बात है इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है और इसको सिक्वेंसिंग करना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप इसके प्रोडक्ट को ले जाकर सिक्वेंस कराना चाहें तो सिक्वेंसिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल PCR प्रोडक्ट को आप जल्दी इजीली आप सिक्वेंस करा लेते हैं, लेकिन इसको सिक्वेंस कराना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये डिप्लीट कर जाता है और इसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि फॉल्स रिजल्ट आए क्योंकि ये 100% इफिशियंट नहीं है। लेकिन हाँ, साइबर ग्रीन से ज़्यादा स्पेसिफिक टैक्मैन है, इसलिए COVID-19 के टेस्ट में टैक्मैन प्रोब्स को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है इन कंपेरिजन टू द साइबर ग्रीन। बट हाँ, साइबर ग्रीन से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको डेटा एनालिसिस के पास लेके चलते हैं। कैसे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि सीटी वैल्यू क्या है। अब ध्यान से देखिए, ये है हमारा बेस लाइन। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक अगर कोई मॉलिक्यूल बन भी रहा है, मतलब मान लो साइबर ग्रीन है या टैक्मैन प्रोब है, फ्लोरोसेंट हो भी रहा है, तो डिटेक्शन सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। डिटेक्शन सिस्टम कब डिटेक्ट किया, तो ये देखिए 17 और 18 नंबर पे, यहाँ पे 18 नंबर पे देखिए बेसलाइन से और 17 नंबर पे भी बेसलाइन से ऊपर उठ गया, 16 से भी कह सकते हैं उठने लगा है। ठीक है, तो जनरली 16, 17 और 18 में से कोई एक आपका सीटी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे 17 को लेके चल रहे हैं कि 17 पर ये बेसलाइन से ऊपर चला गया। ठीक है, इसको हम फिर अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये बेसलाइन से ऊपर चला जा रहा है, तो ये आपका सीटी कहलाएगा, यानी कि सीटी वैल्यू कितना हो गया इसका 17। ठीक है, 17 के बाद ये एक्सपोनेंशियल फेज में गया और ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और एक समय ऐसा आया कि प्लेटू आ गया। प्लेटू कहने का मतलब क्या हो गया कि अब ये नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि आपके मास्टर मिक्स में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो लिमिटिंग हो जाएगा।
कि अब उसके रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब वो रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, जब रिएक्शन नहीं चल पाएगा, तो ये प्लेटू आ जाएगा। प्लेटू आने का मतलब क्या है कि अब वो फंक्शन उतना बढ़िया से नहीं कर पाएगा और अब साइकिल में डिस्टर्बेंस आएगी और अब कॉपी नंबर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसको कहते हैं लीनियर डायनेमिक रेंज और लिमिटिंग रिएजेंट्स, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर था जो लिमिट कर दिया और किसी की हर एक रिएक्शन का एक लीनियर डायनेमिक रेंज होता है, उसी में वो एक्शन करता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और स्लाइड लिया और आपको ये बताया, ये आपका थ्रेशोल्ड लाइन है और ये थ्रेशोल्ड लाइन से जैसे ऊपर गया तो ये आपको हमने सीटी वैल्यू बोला। ये आपका एक्सपोनेंशियल फेज है, यहाँ जहाँ तक ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये प्लेटू फेज में चला आया। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया क्यों प्लेटू फेज में आया, क्योंकि अब ये आपके रिएक्शन मिक्सचर से कोई ना कोई कंपोनेंट कम पड़ गया है जो उसके एनालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए वो प्लेटू आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम साइकिल थ्रेशोल्ड के बारे में और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो साइकिल थ्रेशोल्ड है क्या, सीटी वैल्यू है क्या, पीसीआर साइकिल नंबर, ये साइकिल था तो साइकिल का नंबर ही बताता है। सीटी वैल्यू क्या बताता है, पीसीआर साइकिल नंबर एट विच द डिटेक्टर एबल टू डिटेक्ट फ्लोरेसेंस पैटर्न एंड ग्राफ लाइन अपलिफ्टेड फ्रॉम द बेस लाइन। यानी जो थ्रेशोल्ड लाइन था, ये जो लीनियर ग्राफ फेज का जो ये लीनियर फेज था, इससे ऊपर आने के फेज को उसे ही हम सीटी वैल्यू कहते हैं। सीटी वैल्यू क्या है, एक साइकिल नंबर है जो कि डिटेक्शन सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट होता है। ठीक है, सीटी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टेम्पलेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सैंपल, मीन्स लोअर द अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन हायर द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सैंपल में सपोज डीएनए लेस है, ठीक है, तो इसका जो डिटेक्शन होगा वो लेट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिटेक्टर तभी डिटेक्ट करेगा जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डीएनए उसे मिलेगा। तब तक वो डिटेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसके प्रॉपर क्वांटिटी नहीं मिलेगा। अगर शुरुआत में ही आपका डीएनए कम है तो ऑब्वियसली सीटी वैल्यू ऊपर जाएगी। अब दूसरा केस है कि अब आपका अमाउंट ऑफ जो डीएनए है सैंपल में वो ज़्यादा है, अगर ज़्यादा हो गया तो सीटी वैल्यू पहले ही आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल में डीएनए की क्वांटिटी कितनी है। अगर डीएनए की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सीटी वैल्यू कम आएगी, अगर कम है तो सीटी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसलिए मैंने लिखा सीटी वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टेम्पलेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सैंपल। दैट मीन्स लोअर द अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन द पीसीआर रिएक्शन हायर द साइकिल थ्रेशोल्ड। इफ वांटेड जीन साइकिल थ्रेशोल्ड इज लोअर, ए और इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ वांटेड जीन साइकिल थ्रेशोल्ड इज लोअर देन द कंट्रोल जीन थ्रेशोल्ड गिव राइज टू इंक्रीज एक्सप्रेशन पैटर्न। अब इसको हम आपको कैसे समझाएं, देखिए अगर मान लिया जाए आप जब हम आपको दिखाएंगे एनालाइज डेटा तो उसमें आपको दिखाएंगे भी कि वांटेड जीन का अगर सीटी वैल्यू कम है, सीटी वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए इनिशियली ज़्यादा था, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन क्या दिखाएगा आपको, ऑब्वियसली इंक्रीज दिखाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल जीन हम क्यों लेते हैं, इसके भी कारण हम आपको समझाएंगे कि कंट्रोल जीन हम क्यों लेते हैं अपकमिंग स्लाइड्स में। ठीक है, तो कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखने लायक हैं वो क्या है, साइकिल थ्रेशोल्ड क्या है, साइकिल नंबर एट विच डिटेक्टेबल सिग्नल इज अचीव्ड, यानी डिटेक्शन सिस्टम उसे डिटेक्ट करे और वह साइकिल नंबर ही क्या कहलाएगा, सिटी वैल्यू कहलाएगा। लोअर सिटी कब होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल और टेम्पलेट इन द सैंपल। मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर डीएनए की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सिटी वैल्यू कम आएगा। हायर सिटी वैल्यू कब आएगी, स्मॉलर अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, यानी शुरुआत में ही आपके पास आपके सैंपल में डीएनए अगर कम है तो ऑब्वियसली इसकी सिटी वैल्यू ऊपर आएगी। ठीक है, अब हम आपको आते हैं क्वांटिफिकेशन सिस्टम पे। क्वांटिफिकेशन के दो मेथड्स हैं, ठीक है, एक है एब्सोल्यूट मेथड और दूसरा है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेथड आपको कॉपी नंबर को दर्शाता है कि कितने कॉपी, हाउ मेनी कॉपी, और रिलेटिव बताता है कितना अंतर, कितना अंतर यानी फोल्ड चेंज के बारे में आपको बताता है। ठीक है, फोल्ड चेंज कहने का मतलब कि दो सैंपल के बीच में कितना ज़्यादा अंतर है उनके एक्सप्रेशन पैटर्न में, ये आपको बताता है जाकर के रिलेटिव क्वांटिफिकेशन। तो आपको इस तरीके से क्या पता चला कि
दो मेथड हैं, एक है एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन और दूसरा है रिलेटिव क्वांटिफिकेशन। एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन में क्या हुआ, हाउ मेनी यानी कॉपी नंबर, और इसमें क्या है डिफरेंस फोल्ड चेंज, और फोल्ड चेंज ही ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं आज के एक्सप्रेशन एनालिसिस पैटर्न में, क्योंकि हम आपको आज एनालाइज करके दिखाएंगे। तो एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन किस लिए यूज होता है, तो हाउ मेनी के लिए यूज होता है, जबकि रिलेटिव किस लिए यूज होता है, फोल्ड डिफरेंस के लिए यूज होता है, कितना होता है। और इसके लिए डिजीज रिसर्च में आज आप देख भी रहे हैं कि रियल टाइम कितना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, यानी किसी भी चीज़ के अगर एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग करनी है तो आपको PCR करना होगा। अब दूसरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है भाई, बार बार हम नॉर्मलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका जीन एक्स है और ये आपका दो सैंपल है, दोनों सैंपल में आप क्या कर रहे हैं, जीन एक्स की क्वांटिटी को आप देखना चाह रहे हैं। तो दोनों में सीटी वैल्यू क्या हुआ, एक सैंपल में 18 आया और एक में 20 आया, मैंने दोनों जीन दो सैंपल उठाए तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आपके सीटी वैल्यूज आ गए। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, जीन एक्स एक्सप्रेशन इन सैंपल ए इज हायर इन कंपेरिजन टू सैंपल बी। लेकिन एक बात और है, अगर मान लिया जाए कि सैंपल ए में DNA ही ज़्यादा था शुरुआत में, तो सीटी वैल्यू पहले आ गया, और इसमें अगर कम था तो लेट आया, इसलिए इसकी ज़्यादा सीटी वैल्यू है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये दोनों एक ही जीन को एक्सप्रेस करे तो दोनों में सीटी वैल्यू डिफरेंट क्यों आया। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडोजिनस जीन का एक्सप्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, चाहे किसी भी टिश्यू से उठा लें उसका एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि हम लोग हाउसकीपिंग जीन्स उठा लें जो राइबोसोमल आरएनए के जीन्स हैं, और बेसिकली हम लोग एक्टिन और ट्यूबुलिन क्या समझते हैं कि हर टिश्यू में हर जगह पे नॉर्मली एक्सप्रेस करता है, मतलब इनका एक्सप्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और इनके सीटी वैल्यू 18 से 20 के बीच में आपको मिलेंगे, 22 भी मिल सकता है, अगर आरएनए की इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है तो 22-23 तक भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हाँ इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। यानी एक्टिन और ट्यूबुलिन का जो सीटी वैल्यू है वो फिक्स है, किसी भी टिशू में एक कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ, हर टिशू में हर जगह पे ये नॉर्मल एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए इनको हम कंट्रोल की तरह यूज करते हैं। अब अगर इसमें भी इसी जीन का एक्सप्रेशन देखें और सैंपल में भी देखें, जीन एक्स का हम ट्यूबुलिन में भी देखें एक्टिन में, तो एक कंट्रोल हो गया और ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। तो अब क्या होगा कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं, या अपकमिंग स्लाइड्स में आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसको कहना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन जरूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डेटा इज यूज टू करेक्ट द सैंपल सैंपल वेरिएशन। मैंने आपको ही बताया सैंपल या सैंपल भी हम ऐसे देख के नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है कम एक्सप्रेस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम इसे नॉर्मलाइज नहीं किए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ से होता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं सेल्स के अंदर उनके सीटी वैल्यू क्या, यानी उनके एक्सप्रेशन को कंपेयर करके सैंपल में से घटाएंगे और जो डिफरेंस ही जाएगा वो एक्सप्रेशन एनालिसिस को बेहतरीन तरीके से डिफरेंस को क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। तो सैंपल टू सैंपल वेरिएशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल यूजुअली वेरी इन टिश्यू मास नंबर आरएनए इंटीग्रिटी और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स, ये सारे डिफरेंसेज हो सकते हैं आप सैम्पलिंग जब कर रहे हो तो। देयरफॉर रियल टाइम PCR रिजल्ट्स आर यूजुअली नॉर्मलाइज अगेंस्ट ए कंट्रोल जीन दैट मे ऑल्सो सर्व एज ए पॉजिटिव कंट्रोल फॉर द रिएक्शन। तो ये जो हम लोग जो कंस्टिट्यूटिव जीन जो यूज करते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल की तरह यूज होते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। अब हम आपको मेथड बताते हैं जो कि लेवैक मेथड है, जो बेसिकली हम लोग डेल्टा डेल्टा सीटी मेथड कहते हैं, और बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है फोल्ड चेंज और रिलेटिव एक्सप्रेशन को बताने में, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपको डेल्टा सीटी जानना है। डेल्टा सीटी कहने का मतलब क्या है, टारगेट जीन को डिफरेंस करके टारगेट जीन में क्या डिफरेंस है और उसका रिफरेंस जीन से घटाते हैं तो ये डेल्टा सीटी आता है। यानी टारगेट जीन और रिफरेंस जीन का जो सब्सट्रैक्ट प्रोडक्ट है, जो इस दोनों को घटाने के बाद जो आपको मिलेगा वो डेल्टा सीटी हो। और डेल्टा डेल्टा सीटी क्या है कि जो ये जो आपका है
सैंपल में सबसे ज़्यादा वैल्यू में से सब को घटा देंगे, ठीक है। और फिर डेल्टा डेल्टा सी ये क्या है, फोल्ड चेंज बताता है। इसको हम जब तक कि आप एक्सेल सीट पर नहीं करेंगे तब तक आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है। लेकिन हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि टारगेट जीन से रिफरेंस जीन को घटा रहे, मतलब कि जो नॉर्मल एक्सप्रेशन जो हर सेल्स में होता है उसको घटा करके जो बचा वही तो एब्सोल्यूट चेंज होगा ना जीन के अंतर में। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं कि ये सब चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि एक ट्यूमर सेल है और एक नॉर्मल सेल है, तो कंट्रोल में इसका एक्सप्रेशन 15 है और ट्यूमर सेल में इसका एक्सप्रेशन सिटी वैल्यू 12 है। तो साफ सी बात है, इसमें सिटी वैल्यू कम है तो ये इंक्रीज एक्सप्रेशन दिखा रहा है, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 2 to the power कैलिब्रेटर माइनस टेस्ट। कैलिब्रेटर किसको मानेंगे, कंट्रोल को, तो कंट्रोल को यहाँ पे रख दिया और टेस्ट को घटाया, तो 2 to 15 minus 12 3 2 to the power 3 यानी 8। तो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज 8-fold हायर इन ट्यूमर सेल्स देन हेल्दी कंट्रोल सेल्स। तो आपको ये पता चला, इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि कैसे हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, 2 to the power चेंज डिफरेंस जो डेल्टा सीटी है वो हम डालें, तो डेल्टा सीटी डालें तो 8-fold आया, तो एक्सप्रेशन चेंज कितना आया, 8-fold, यानी ट्यूमर सेल्स में 8-fold उस जीन का, जीन अगर कोई जीन एक्स को आप चेक कर रहे हैं तो एक्स का एक्सप्रेशन क्या हुआ, 8-fold हायर है, किस में, जो ट्यूमर सेल्स में। समझ में आई बात, अब हम आगे बढ़ते। अब यहाँ पे फिर हम कैलिब्रेटर यहाँ पे और टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक P53 जीन के बारे में यूज़ किया और रिफरेंस जीन है GAP DH, ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब एक कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस करता और आपका P53 का एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट में से कैलिब्रेटर को, मतलब कैलिब्रेटर में से आपके रेफरेंस जीन को घटाना है, तो कैलिब्रेटर माइनस टेस्ट करेंगे, यानी 15 में से 16.5 घटाएंगे तो 1.5 और इसमें 12 में से 15 घटाएंगे तो 3.9। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा डेल्टा सीटी क्या होता है, जो आपने घटाया, अब इनमें इसको घटाइए, तो इससे इसको घटाए तो डेल्टा डेल्टा सीटी कितना हुआ, 2 to the power 4 माइनस 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 2 to the power 4। अब क्या फोल्ड चेंज एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power माइनस डेल्टा डेल्टा सी टी। तब अब इसको लगाइएगा तो 2 to the power 2 to the power तो 5.3-fold आया, यानी ट्यूमर सेल जो एक्सप्रेस कर रहा है P53 हायर लेवल देन द कंट्रोल सेल, यानी P53 का जो जीन एक्सप्रेशन है वो बढ़ गया है ट्यूमर सेल में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर सेल P53 कौन सा जीन है, P53 गार्जियन ऑफ द जीनोम कहलाता है, और ये क्या करता है, कैंसर सेल से होने से बचाता है, तो इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी कैंसर सेल अगर है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, इसीलिए 5.3-fold हायर शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको शायद कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेल शीट पर आपको बताएंगे कि कैसे हम इसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको देखने के लिए, समझने के लिए मैंने एक अपना डेटा यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया है कि कैसे हम एनालाइज करते हैं। तो ये देखिए, हाई फाइव एक जीन है जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस का जीन है, तो हाई फाइव म्यूटेंट अगर होगा तो हाई फाइव म्यूटेंट के बारे में आप पढ़े भी होंगे कि इसमें क्या होता है, प्लांट के हाइपोकोटाइल्स क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं म्यूटेंट्स में, हाई फाइव म्यूटेंट्स में हाइपोकोटाइल क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हाई फाइव म्यूटेंट और ये सारे कॉलजीरो की मैं बता रहा हूँ, अरबिडोप्सिस की बात कर रहे हैं हम, तो हाई फाइव ओवर एक्सप्रेशन में क्या होगा, हाइपोकोटाइल छोटा होगा, ठीक है, हाइपोकोटाइल छोटा होगा। तो ओवर एक्सप्रेशन में क्या है, देखिए आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, जो कंट्रोल है हाई फाइव म्यूटेंट में, कंट्रोल में हमेशा 1 होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं फोल्ड चेंज कितना बढ़ गया ओवर एक्सप्रेशन लाइन में, तो आप इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हाई फाइव म्यूटेंट बैकग्राउंड और ओवर एक्सप्रेशन लाइंस में क्या हो रहा है, 90-fold तक चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है, ये 90-fold चेंज क्या रिलेटिव है ना, कि हाई फाइव म्यूटेंट में हाई फाइव का एक्सप्रेशन क्या है, कम है, ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन हाई फाइव ओवर एक्सप्रेशन, अगर किसी चीज़ को ओवर एक्सप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, तो ओवर एक्सप्रेशन लाइंस में क्या हुआ, एक्सप्रेशन 90-fold इंक्रीज कर गया।
तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि जीन्स के एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग कितनी बड़ी कितनी घटी, और रियल टाइम इसके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग करने के लिए। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए तो आपको एप्लीकेशन बता दें, जब आप कर रहे होंगे रियल टाइम तो कुछ इसी तरह से आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, और यही आपका सीटी वैल्यू है। देखिए यहाँ से उठ गया, यहाँ से उठ गया, तो अलग अलग जीन के लिए अलग अलग सीटी वैल्यू आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जीन एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं, अरे जो भी अरे जो है अरे डेटाज हैं उनको हम कर सकते हैं। वायरल क्वांटिफिकेशन, आपको पता ही है कि वायरस के लिए कितना ज़्यादा यूज होता है रियल टाइम पीसीआर, आजकल आप देख भी रहे हैं। तो मेजरिंग द इफिशियंसी ऑफ ड्रग थेरेपी, ठीक है, अगर कोई ड्रग है तो ड्रग की कितनी इफिशियंसी है, वो कितना एक्सप्रेस करेगा कितना नहीं एक्सप्रेस करेगा, रियल टाइम के थ्रू हम बता सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस, अगर मान लो कोई आपको इन्फेक्शस डिजीज है जो कि जेनेटिकली हो सकता है, मेटाजेनोमिक्स इसके लिए एक अलग से ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग पता करते हैं कि किस कौन सा पैथोजिन हमारे बॉडी में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और उसका इंटरेक्शन के बाद हमारे जीनोम पे क्या इफेक्ट आता है, उसे हम मेटाजेनोमिक्स कहते हैं। तो इन्फेक्शंस के लिए तो जो हम करते हैं, तो पैथोजिन के इन्फेक्शन को अगर डिटेक्ट करना है उसमें भी रियल टाइम का बहुत ज़्यादा उपयोग है, और डीएनए डैमेज हो रहा है तो डीएनए डैमेज रिपेयर में भी हम रियल टाइम को यूज करते हैं। जैसे जीरोडर्मा पिगमेंटेशन में क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है, ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल करना है, वैलिडेशन करना है किसी ऐसे को, तो भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और जीनोटाइपिंग में भी हम रियल टाइम पीसीआर को उपयोग करते हैं। तो मेजरली हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वायरोलॉजी में, कैंसर बायोलॉजी में, बैक्टेरियोलॉजी में, एंड मेडिकल साइंस में तो पता ही नहीं कितने उपयोग हैं रियल टाइम के। ठीक है, आजकल के जितने भी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं वो रियल टाइम पे ही बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर